कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 है। और घर से ही आप लोग माल तैयार करते हैं? घर पे से माल तैयार करते हैं और व्यापारी सब ले जाते हैं यहाँ से, 10 मिनट में हो जाता है। और आप रोजाना मतलब कितना मुनाफा आपको बच जाता है ये उद्योग को करके? 4-5 घंटा करता हूँ तो 3,000 तक काम हो जाता है ऐसे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं किसी कंपनी के पास में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं किसी शख्स के पास में आया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने अपने घर से उद्योग शुरू करके लाखों का बिजनेस बनाया। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अहमदाबाद, गुजरात में, अहमदाबाद सिटी में हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे पता चला भगवती गृह उद्योग के नाम से एक योगेश भाई बोल के शख्स हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है, और वो अपने घर से एक बहुत ही आसान सा उद्योग शुरू किया है। और वो उद्योग को दिन में से कुछ समय करते हैं, यानी कि 2 से 3 घंटा करते हैं सुबह सुबह पार्ट टाइम, और उतना करके वो रोज़ाना का 3 से 4 हज़ार रुपये कमाई कर लेते हैं। और उनका मानना है कि अगर कोई यह उद्योग को 5 से 6 घंटा अगर रोज़ाना करे तो 8 से 10 हज़ार रुपये की कमाई रोज़ाना भी वो कर सकता है। अब दोस्तों, मैं आप चाहता हूँ कि आप पहले देखें कि उन्होंने अपने घर से मात्र 5x8 के एरिया से, 5 फुट x 8 फुट का जगह है उनका घर में, उतने ही घर में पूरा सेटअप लगा करके उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया है। और वह उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत ही कम लागत उन्होंने लगाई है, और वह उद्योग को शुरू करके वो रोज़ाना इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और आप भी पूरे भारत देश में कहीं से भी ये उद्योग शुरू कर पाएं, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिलने वाली है, क्योंकि योगेश जी के घर में मैं अभी फिलहाल हूँ और इनके घर में मैं आपको सारा सेटअप दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे अपने घर से छोटी सी जगह से ही थोड़ा सा पैसा लगा करके एक ऐसा उद्योग शुरू कर रहे हैं जो मार्केट में माल तैयार होते ही धड़ाधड़ से बिक जाता है, और दोस्तों ये माल को बेच करके काफी मोटी कमाई आप भी कर सकते हैं। योगेश भाई हमको इस वीडियो में सारा कुछ समझाएंगे, A to Z इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे उन्होंने उद्योग शुरू किया, कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ मालो बेचने के लिए जाते हैं, यहां तक कि ये कहा जाता है कि लोग उनके घर पर आकर के माल खरीद करके लेके गए हैं लॉकडाउन में, इतनी डिमांड है उस माल की। और चाहे कितना भी मंदी आए, चाहे कितना भी वायरस आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जो ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना दोस्तों, वो 12 महीने चलता है, भारत के हर कोने में चलता है और चलता ही रहता है। तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों हम, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, हमारे साथ हैं अभी योगेश जी, जिन्होंने अपने घर से उद्योग शुरू किया है और घर से उद्योग शुरू करके ही रोजाना का हजारों की कमाई कर रहे हैं। और अभी इनसे हम जानकारी लेते हैं कि कैसे इन्होंने उद्योग शुरू किया, ताकि आपको भी समझ आए कि आप भी अपने घर से एक बढ़िया सा उद्योग शुरू कर सकते हो। योगेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। योगेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 है। हाँ, और मेरी मिसेज की उम्र है 55। अच्छा, 55 साल। 55 साल है। और आप दोनों ही मिलकर के सारा उद्योग संभालते हैं? हाँ, दोनों सारा उद्योग संभालते हैं, हम दोनों ही घर पे। और घर से ही आप लोग माल तैयार करते हैं? घर पे से माल तैयार करते हैं और व्यापारी सब ले जाते हैं यहाँ से, सब घर पे आकर के ले जाते हैं आपका? हाँ, रिटर्न भी ले जाते हैं, और रिटर्न वाले और होलसेल व्यापारी भी ले जाते हैं यहाँ से माल। रिटेल वाले, होलसेल वाले दोनों आके घर पे आके माल ले जाते हैं हमारा। और ये जो उद्योग आप अपने घर से शुरू कर रहे हैं, इसको करने में कैसा, बहुत मेहनत वाला काम है या फिर आसानी से हो जाता है? ऐसे आसानी से हो जाता है, ऐसा इसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है उद्योग चालू करने में, ये तो कम पैसे में ही हो जाता है, और अपने रोजी रोटी चालू हो जावे घर से अच्छे अच्छी तरह। बाहर नौकरी करने से तो ये घर पे उद्योग बनाना अच्छा ही है, घर पे बना करके खुद की मेहनत करते हैं और फिर काम करके सब चलता ही रहता है काम हमारा। और आप रोजाना कितने देर काम करते हैं? रोजाना हम दोनों जन है तो 4-5 घंटा काम करते हैं, फिर हम आराम करते हैं हमारे, और फिर जो ज्यादा करेगा वो तो ज्यादा कमाएगा हमारे से भी, लेकिन हम तो कुछ ज्यादा नहीं काम करते, 4-5 घंटा काम करते हैं, इसीलिए 4-5 घंटे में आपका पूरा काम हो जाता है? पूरा काम हो जाता है 4-5 घंटे में। ओके, और आप रोजाना मतलब कितना मुनाफा आपको बच जाता है ये उद्योग को करके? 4-5 घंटा करता हूँ तो 3,000 तक काम हो जाता है ऐसे। हाँ। ना, अगर ज्यादा मेहनत करोगे 8-9 घंटा तो 5-6 हज़ार भी हो जाता है। ओके ओके। और योगेश जी, अभी आप हमें बताइए कि आप क्या उद्योग करते हैं और पूरा हमें समझाइए स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अभी मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये हमको दिखाएंगे अभी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा माल तैयार करना है, और फिर उसके बाद में
कैसे माल हमारा तैयार होकर के हमको मिलेगा और कैसे मार्केट में बिकेगा। चलो हम आपको अपना माल किस तरह बनता है आपको बताता हूँ। ये आटा है और आटा को इसके अंदर मशीन में डालने के उसके अंदर तेल मिर्ची अदर और नमक ये सब डालते हैं, फिर उसको इसको घुमा के फिर बताते हैं। देखो ये इस तरह आटा मिक्स हो जाएगा, बराबर आटा मिक्स हो जाएगा। और इसमें कितना देर लगता है आटा मिक्स होने में? ये 10 मिनट ही लगता है, ये 10 मिनट में हो जाता है। ये आटा गूंदने का मशीन है? मशीन है, हाँ ये, हाँ ये बढ़िया आटा गूंद के देता है जैसे हाथ से? हाँ हाथ से भी ज़्यादा अच्छा गूंद के देता, ज़्यादा देता है। अच्छा ये गेहूं का आटा है या ज्वार का है? नहीं गेहूं का ही आटा है। इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें नमक आता है, हल्दी आती है, मिर्ची आती है, तेल आता है और पानी आता है। इतना सब आइटम डालना पड़ता है, फिर वो डाल के वो घुमाते हैं, फिर वो रोट अपने आप बनते ही जाता है। हाँ करके 10 मिनट में आपको तैयार मिल जाता है? हाँ 10 मिनट में तैयार हो जाता है। और रोट तैयार होने के बाद उसको क्या करेंगे आप? रोट तैयार होने के बाद उसका हम और ये इसके अंदर ऐसा पिल्ला करके फिर इस मशीन में डालते हैं, फिर वहाँ से कटिंग होके बाहर निकलता है। चलिए देखते हैं। हाँ अभी इस आटे को हम शीट बनाएंगे, शीट बनाने के बाद फिर मशीन में रख देंगे तो उसमें फिर निकलते जाएगा आटा। दोस्तों देखिए आटे को किस तरीके से शीट बनाना है। पहले ऐसे आटे में ऐसे आटा का शीट तैयार हो गया, अब मशीन में डालेंगे। अब इस तरह दोस्तों देखिए यहाँ से मशीन में डालने का, फिर यहाँ से निकलेगा आटा, यहाँ से नीचे से निकलेगा, आगे निकलेगा, इसकी शीट बन जाएगी। वो देखो ये इस तरह से मशीन में से आटा निकलता है, या कटिंग होता है, फिर यहाँ से ले लेने का रहता है, इस तरह ले लेने का रहता है। दोस्तों आप देख सकते हो पूरा आटा कितना पतला बन करके आ रहा है, एक समान आ रहा है। और पूरा आटा आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेन जो है आटा कटिंग का लगा हुआ है और इससे ये आटा बराबर गोल शेप में कट रहा है। और अभी आप देखिए ये कटने के बाद में यहाँ आपको मिल रहा है गोल शेप का। और ये जो वेस्टेज आटा होता है, जो एक्स्ट्रा आटा होता है कटने के बाद में, वो उसमें भी मशीन में डाल देने का रहता है, वो वापस अपने आप आ जाता है, वापस मशीन में डाल देने का उसको। हाँ बस इतना आसान काम है। सर ये काम कितने साल से कर रहे हो आप? 4 साल हो गया। 4 साल से कर रहे हो? और जैसे आप ये अभी बनाते हो तो ये कितने अलग अलग तरह के इसके अंदर बनते हैं? सादा, मसाला, मेथी और जीरा, 4 जात के बनाते हैं। 4 जात के आप बनाते हो? और बनाना चाहे तो कितने बना सकते हैं? ऐसे तो 20-25 जात बनती है। अच्छा 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 इसमें दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से बन रहा है सारा। आप देखो एक एक को आटा लगा करके यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं पूरा। देखो आप हर एक, आप देखो कितना परफेक्ट गोल बना है हर एक। देखिए और तैयार हो रहा है, वहाँ पे तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद में उसको भी हम लेंगे, आटे में डालेंगे और आटे में डाल करके हम यहाँ रख देंगे। अब चलते हैं। चाचा ये काम अपने को आसान पड़ता है? आसान ही है ऐसे तो। दोस्तों ये दो लोग मिलकर के ही सारा काम करते हैं, अंकल हैं और उनकी वाइफ है, दो लोग ही मिलकर के सारा काम करते हैं। और घर से आप देखो रोज कितना सारा प्रोडक्शन तैयार करते हैं। सर आप जो बनाओगे इसकी मार्केट में डिमांड है, बिक जाता है ये मार्केट? हाँ डिमांड है ना, बहुत डिमांड है, तो तुरंत बिक जाता है ये। जिस दिन बनाओ उस दिन माल खत्म हो जाता है? हाँ वो खत्म ही हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता होगा कि माल मांगने कोई आता है आपके पास माल ना भी रहे? कभी हो जाता है, माल कम बनाया हो तो फिर दूसरे दिन बना के देते उसको। हाँ। ये माल बनाते हैं सब बिक जाता है बाजार में, और जितना चाहिए इतना फिर कभी नहीं बना सकते, फिर दूसरे दिन भी बना के देते व्यापारी को। जितना आप बनाते हो उतना माल भी कमी पड़ जाता है? कम ही पड़ जाता है इसमें क्या, फिर जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा। हाँ तो यह बिकेगा, जितना ज्यादा बनाएंगे इतना ज्यादा बिकेगा ये तो। दोस्तों अभी वो मशीन में से जो हमने कट करके हमने गोल गोल तैयार किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इस पहले प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, कच्चा पक्का हम करेंगे। उसके बाद में एक आखिरी स्टेप और है जो ये पीछे लगी मशीन से हम करने वाले हैं, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे और प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा वो भी दिखाएंगे। अभी पहले आप देखिए यहाँ पर ये योगेश जी की वाइफ है और ये इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है इसको तवे के ऊपर आधा आधा पका रही है, मतलब सिर्फ कच्चा पक्का पका रही है, और इसके बाद में ये फाइनल जो होगा वो उस पर वो अपने दूसरे मशीन में होगा। दोस्तों सारे मटेरियल को इस तरीके से कच्चा पक्का करने के बाद में आपको ये पूरा जो मटेरियल इस तरीके से आपका बंडल आप बन जाएगा, आपका ये आधा पका हुआ है
और इसके बाद में ये बंडल को हम मशीन में फाइनल करेंगे और फाइनल करने के बाद में ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं। ये कच्चा पक्का माल तैयार हो गया है, उसको फिर हम ये मशीन को 20 मिनट लगता है गर्म होने में जी, बराबर। फिर इसको हम इस तरह ये कच्चा पक्का हुआ खाखरा को इस तरह मशीन में डालते, फिर इस तरह उसको बनाते, सेकते उसको, देखो इस तरह देखो। और डालने के बाद में इसको इस तरह से सेकना पड़ता है। हाँ, सेकना पड़ता है। फिर इसको 20 मिनट लगता है गर्म होने में। गर्म होने में 20 मिनट लगती है। ये देखो, फिर इसको पलटा के सब करते सब इस तरह काम। तो उसमें क्या स्वाद अच्छा आएगा। अच्छा, ऐसे पलटाने से है ना, स्वाद अच्छा आता है खाखरा का। जी जी जी। और उसमें बहुत बढ़िया रहेगा पलटाने से। ये हो गया अब तैयार, एक साथ में दो निकलते। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये हमारा खाखरा बनकर के तैयार हो गया है। खाखरा एक गुजराती पकवान है जो 15 से 20 अलग अलग फ्लेवर में तैयार होता है। और योगेश जी चार फ्लेवर में काम करते हैं। चार फ्लेवर कौन कौन से हैं सर? वो सादा, मसाला, जीरा और मेथी। मेथी, हाँ। मेथी, मसाला, जीरा और सादा खाखरा, ऐसे चार मसाले। इसमें लोग चॉकलेट, पिज्जा और साथ में मैगी, पास्ता, कितने ही नहीं अलग अलग फ्लेवर बनाते हैं। अलग अलग जो मसाला आप डालोगे वो फ्लेवर का बना करके आप तैयार कर सकते हो। और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बार वापस से अगर समझाऊं तो ये आप देखिए, ये हमारा आटा गूंथने का मशीन है। सबसे पहले इसका जरूरत पड़ता है, ये मशीन से आटा गूंथ लेना है। उसके बाद में आपको वो आटे को यहाँ पर ऐसे सही करते हैं और सही करने के बाद में ये जो आप मशीन देख रहे हो, कटिंग मशीन, ये ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में यहाँ से आटा डालते हैं। ये पूरा आटा बेल करके यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद में ये डाई से कट हो करके आपको यहाँ से बराबर गोल बना करके मिलता है। गोल बनाने के बाद में इस तरीके से गैस के ऊपर आधा कच्चा पक्का वो लोग कर लेते हैं गैस के ऊपर। और कच्चा पक्का करने के बाद में फाइनल प्रोसेस ये जो चाचा हमारे कर रहे हैं, इसमें तेल लगाई हुआ होता है कच्चा पक्के जी, के कच्चा साथ। पक्का करने के बाद में तेल भी लगाया हुआ है, और तेल लगाया हुआ इसके इससे डायरेक्ट ही हो जाता है फिर मशीन में। और तेल लगाने के बाद में सीधा ये मशीन में डालते डाल करके इसको पूरा पका देते। ये देखो ये बबल्स होता है ना, उसमें बबल्स नहीं हो गए। हाँ हाँ सब देखो ये है ना बबल्स, बराबर। ऐसे घुमाने से क्या बबल्स का जो वो ऐसा बहुत मस्त सॉफ्ट बनता है, क्या वो ऐसा का ऐसा ही पड़े रहेगा तो वो तो बबल्स नहीं होगा, नहीं होगा बराबर। उसका जो हाथ का स्वाद आएगा इसमें ऐसा है। हाँ। नहीं तो ऐसा कौन ऐसा ऊंचा नीचा करेगा कोई। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का गोल बनता है, ये कितना क्रिस्प और कितना गोल बनता है ये आवाज से समझ में आ जाएगा। ये आप देखो, देख रहे हो आप, इस तरीके का ये बन करके तैयार होता है। और ये जो खाखरा है जो हमने बनाया है, इसका टेस्ट की अगर बात करें बहुत स्वाद आ रहा है। और गुजराती लोग हर रोज नाश्ते में नाश्ते के टाइम पे स्नैक्स के तौर पे खाखरा सर्व करते हैं, तो गुजरात में तो बहुत बढ़िया डिमांड है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेचो इसकी जबरदस्त डिमांड होगी। और दोस्तों जो खाखरा बन करके तैयार होता है ना, ये आखिर में इस तरह का पैकेट तैयार होता है। ये इस तरह का पैकेट आपको बनाना है, 500 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम, 250 ग्राम का पैकेट आप बना सकते हो। चाचा ये पैकेट कितने में बिकता है मार्केट में? आधा किलो का 80 रुपये, 80 रुपये से 100 रुपये के करीब में बिक जाता है। जैसा आपका फ्लेवर रहेगा उस पर डिपेंड करता है। फ्लेवर में ज्यादा प्राइस होती है, फ्लेवर में ज्यादा प्राइस होती है। ये सादा है, फ्लेवर मेथी का है, लेकिन जो फ्लेवर होता है इसको तो 150 के आसपास होता है। अच्छा, अगर आप अच्छा फ्लेवर मिलाओगे तो 150 के आसपास में आपको खाखरा का पैकेट मिलता है। दोस्तों आप सोचिए, और सर बनता कितने में होगा? ये बनता है समझो के अभी ये 50 के आसपास में बन जाता है एक पैकेट। तो इसमें मुनाफा मतलब कैसा है कि दुगना है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, सारे मशीनें यहाँ पर रखी हुई आप देख सकते हैं, पूरा सेटअप क्या लगना है। और सिर्फ 3 मशीनें ले करके आप ये उद्योग को अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे चाचा हैं जिनकी उम्र 65-68 साल है, 70 साल के करीब हो गई है, फिर भी वो अपने घर से मेहनत कर रहे हैं और इस तरह का शानदार उद्योग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा सेटअप है मशीनों का, ये आपने कहाँ से लिया है? ये जैक्सन में से लिया है। जैक्सन, जैक्सन, हाँ, जैक्सन मशीन कहाँ पे है सर? ये ओडव है, ओडव, ओडव में, ओडव अहमदाबाद, ओडव सर्कल अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद सर। दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके से खाखरा बनाने का उद्योग करना है तो मैं आपको जैक्सन मशीन अहमदाबाद का नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये मशीनों के बारे में जान सकते हैं। सर उनके पास से आपने मशीन लिया है तो मशीन में कोई मेंटेनेंस वगैरह?
मेंटेनेंस में तो इतना कोई ज्यादा नहीं होता है इसमें मेंटेनेंस जी। मेंटेनेंस। और मशीन बिजली कितना लेता है? बिजली तो जितना चलाओगे इतना होती है बिजली, ज्यादा नहीं होती बिजली तो नहीं आ जाती। नहीं ये सर ज्यादा, ये मोटर में ज्यादा बिजली नहीं होती है। घर की बिजली पे चल जाता है? हाँ घर की बिजली पे ही चलाते हैं अभी, घर की बिजली पे ही चलाते हैं। ये घर की बिजली पे ही चलेगा। और अजेक्शन मशीन से आपने जो मशीन लिया है उसका आपको रिजल्ट अच्छा लगा सर? नहीं अच्छा ही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पूरा उद्योग अपने घर से सेटअप किया गया है और साथ ही में अपने घर पर ही सारा कुछ सेटअप करके 8x10 की जगह से पूरा काम हो रहा है, दो लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो आप अब कहीं भी रहते हो, पूरे भारत देश में किसी भी गांव में रहते हो ना, उद्योग करना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं था और ना ही अभी है। दोस्तों बहुत आसान है उद्योग को शुरू करना। अगर आप भी खाकरा बनाने का उद्योग शुरू करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हैं हमने जैक्सन मशीन के नंबर, सीधा उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करके आप ये मशीनें ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो योगेश जी के लिए सही एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर करना जिस किसी को भी आपको लगता है कि अपने घर से उद्योग करने की ज़रूरत है ना, उसके बाद आप ज़रूर शेयर करना। और आप खुद अगर उद्योग करना चाहते हो तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।